हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिविल इंजीनियर पर। ये सिंगली एंड डबली रेनफोर्समेंट बीम आरसीसी का पार्ट, जिसमें हम 50 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर AEJEE और ESE एग्ज़ाम में आया हुआ है, सब इंजीनियर के पेपर में, ठीक है, तो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कैंटिलीवर मेंबर इज प्लेस्ड एट, ये टॉप फाइबर में प्लेस किया जाता है कैंटिलीवर बीम में, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप इज इन अ बीम, इसमें मिनिमम स्पेसिंग के बारे में पूछा गया है, तो इसमें 100 to 300 mm तक प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसमें मिनिमम पूछा गया है तो 100 mm, ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील इन अ बीम शल नॉट एक्सीड, मतलब इसमें वो पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट स्टील प्रोवाइड किया जाता है एक बीम में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 0.04 बी डी डी जो है ना, टोटल डेप्थ है ना, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, इसको याद रखिएगा। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितना परसेंट, तो 4% आता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है। द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बीम में स्टीरअप इन कहाँ प्रोवाइड, मतलब स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप को कहाँ किस क्वांटिटी में लगाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें मिनिमम नियर द सपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसमें ऑप्शन जो बी है वो सही रहेगा, ठीक है, मिनिमम रहता है सपोर्ट के आसपास, ठीक है। इन अ डबली रेनफोर्समेंट, डबली रेनफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड इन अ, देखिए डबली रेनफोर्समेंट कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड किया जाता है और टेंशन साइड में, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, ठीक है। इफ द गिवन बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन द सेक्शन इज, ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर किससे, रेजिस्टेंस बैलेंस मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा आएगा, बी अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL थ्रू द स्पान विच डेवलप्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान द क्रैक्स फॉर्म ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ बीम एट मिड स्पान, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें UDL थ्रू आउट स्पान में लगाया हुआ है, ठीक है, डेवलप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड स्पान में, मिड स्पान में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है, तो इसमें पूछा है कि क्रैक्स जो है वो कहाँ फॉर्म होगा और फेलियर ऑफ बीम मिड स्पान पर किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि कैसे रहेगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा वाला सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका मिड स्पान में वर्टिकल जो है क्या है, क्रैक स्पान मतलब स्पान पर दिखेगा, ठीक है। सिंगली रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन बी इंटू डी इज इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल FCK एंड FY आर द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेशन अक्स, देखिए इसमें कैलकुलेशन के लिए आपको फार्मूला इसको याद रखना है कि स्टील के लिए कौन सा वाला है, और देखिए 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी, ये ऑप्शन, ये मतलब जो है न्यूट्रल, अपना जो न्यूट्रल एक्सिस है उसको ज्ञात करने का या फिर फाइंड आउट करने का इसमें इस फार्मूला से किया जा सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन अ टू वे स्लैब एट कॉर्नर वेयर बोथ एडजेसेंट एज आर कंटिन्यूस इज, ठीक है, तो इसमें रहता है कि देयर इज नो जीरो नीडेड टू टॉर्सन, ठीक है, टॉर्सन में
जीरो रेनफोर्समेंट, इसलिए है ना इसमें जीरो रहता है टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम शैल बी डीम टू द टू बी डीप बीम इफ इट्स इफेक्टिव स्पान टू डेप्थ रेशियो इज लेस देन। ठीक है, तो डेप्थ रेशियो सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट बीम में कितना रहता है ना, तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही रहेगा। इसमें देखिए आपको पता रहना चाहिए ठीक है कि सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम शैल बी डीम टू बी इफ द इफेक्टिव स्पान डेप्थ रेशियो इज लेस देन जीरो टू 2.00। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। और कंटिन्यूसली बीम के लिए सिंपली सपोर्ट के लिए 2 रहेगा और कंटिन्यूस बीम के लिए रहेगा 2.5, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम द शियर फोर्स कोफिशियंट एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द इंड सपोर्ट एंड इनर साइड ऑफ मिड स्पान। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये आप देख सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाए वीडी से अपना डेड लोड एंड इम्पोज लोड को फिक्स्ड है। ठीक है, और लाइव लोड को WL से किया गया है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड वन वे स्लैब कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। तो क्या चीज़ करने हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को वन वे स्लैब कैन बी कंट्रोल है ना, वन वे स्लैब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ को उपयोग करके, मॉडुलर रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो, स्पान डेप्थ रेशियो। तो इसमें ऑप्शन आपका सही रहेगा डी, स्पान एंड डेप्थ रेशियो से अपना डिफ्लेक्शन को क्या किया जाए कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप। ठीक है, तो इसमें पूछा जाए मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप। तो इसमें क्या चीज़ करने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा टू रजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन। ठीक है, इन द डिजाइन प्रैक्टिस ऑफ बीम द स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो आर जनरली टेकन इन अ रेंज। ठीक है, कौन से रेंज में हम प्रैक्टिस में बीम का स्पान ओवरऑल डेप्थ को रेशियो को कंसीडर करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो 10-16 आर जनरली टेकन। ठीक है, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर ऑफ अ कंटिन्यूस बीम एज पर IS 456-2000। ठीक है, तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि कैंटिलीवर के लिए जो रहता है कि 7 और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए रहता है 20 और कंटिन्यूस बीम के लिए रहता है 26। तो डेप्थ रेशियो ना ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर जो रहेगा कंटिन्यूस के लिए 26, डी ऑप्शन। ठीक है, द डिज़ाइन ऑफ बीम अस डीप बीम टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा द डिज़ाइन ऑफ बीम, ठीक है, द डिज़ाइन ऑफ बीम अज डीप बीम टेकन इनटू अकाउंट। क्यों मतलब हम डीप बीम को प्रेफर करते हैं, तो इसमें लेटरल बकलिंग को रोकने के लिए, टेम्परेचर स्ट्रेस के या नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा तीनों सही है, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें, इसमें ऑप्शन डी नहीं दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं व्हेन अ बीम सेक्शन स्पान ओवर ए सर्वल सपोर्टेड कंटिन्यूसली देन द बीम एट सपोर्टेड शुड बी डिजाइन अस। ठीक है, व्हेन बीम सेक्शन स्पान ओवर सर्वल सपोर्टेड कंटिन्यूस देन द बीम एट सपोर्ट शुड बी डिजाइन अस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा डबली रेनफोर्समेंट बीम। ठीक है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड इन RCC बीम इन बिल्डिंग इज लिमिटेड। ठीक है, तो बिल्डिंग में स्पान जो रेशियो रहता है वो आएगा आपका स्पान बाई 250। द शियर रेनफोर्समेंट इन RCC बीम इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। जो शियर रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा, इसको प्रीवियस ही क्वेश्चन में हम डिस्कस किए हैं, डायगोनल टेंशन के लिए स्टीरअप।
शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इस ठीक बोला था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पान डेप्थ रेशियो परमिसिबल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम। देखिए अब सिंपली सपोर्टेड के लिए आ गया है, आपको पता होना चाहिए, आप ये दो बार हो गया रिपीट होते हुए, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इफ़ अ बीम फेल इन बॉन्ड इज वुड बी बेस्ट टू इन बेस्ट टू, मतलब बीम फेल्स इन बॉन्ड इट वुड बी बेस्ट, मतलब हम जैसे कि कंक्रीट और स्टील का जो बाउंडेशन रहता है वो फेल होने लगता है कुछ केसेस की वजह से, तो उसमें हम क्या करें कि बॉन्ड स्ट्रेस ज़्यादा मजबूत रहे इसमें, तो हम क्या करते हैं थिनर मतलब जो बार है उसको उपयोग करके मोर नंबर मतलब ज़्यादा ज़्यादा नंबर्स में थिनर बार प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IS 456 द कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट इन रेक्टेंगुलर बीम शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया था फर्स्ट क्वेश्चन जो क्रॉस सेक्शनल का कैसे रहता है, 4%, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन आरसीसी बीम शैल नॉट एक्सीड बाई डिस्टेंस इक्वल टू, तो इसमें आपका आएगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। वेन आर सी सी बीम इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग एंड द टॉप मोस्ट लेयर इलोंगेट्स एंड द बॉटम अनसॉर्टेड देन द बीम इज कॉल्ड, देखिए इसमें आपको बीम जो बोल रहा है कि टॉप मोस्ट लेयर है इलोंगेट मतलब कि टेंशन में है और बॉटम जो है सॉर्टेड मतलब कंप्रेशन में, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द बीम वेन डेप्थ वेव इन बीम एक्सीड्स, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका 75 सेंटीमीटर आएगा या फिर इसको mm में कितना लिखता जाता है 750। अ सिंपली सपोर्टेड आर सी सी बीम हैविंग क्लियर स्पान 5 मीटर एंड सपोर्टेड विथ 300 mm हैज द क्रॉस सेक्शन अस शोन इन फिगर, वाट इज द इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम एज पर IS 456, है ना, तो इसमें आपको कैसे मतलब इफेक्टिव जो स्पान है उसको मतलब आपको ये करना है, तो इसमें अपना फॉर्मूला रहता है बोथ बीम साइज बाई टू, ठीक है, दोनों का मतलब हाफ हाफ एंड इफेक्टिव मतलब जो स्पान का लेंथ रहेगा उसको ऐड करके कर देते हैं, तो इसमें 5300 mm ये वाला आंसर सही है। अ सिंगली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम ऑफ 300 mm विड्थ एंड 750 mm इफेक्टिव डेप्थ इज प्रोवाइड विथ 2000 mm स्क्वायर स्टील, इफ द मॉडुलर रेशियो 15 द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी, ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं बी एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ये वाला जो फार्मूला है इसे उपयोग करके हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें इसका आंसर आएगा 300, ठीक है। स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर अ कंटिन्यूस बीम विथ स्टील ग्रेड ऑफ Fe 415 शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ रेशियो किससे कंटिन्यूस के लिए आपको पता होना चाहिए कितना आंसर आएगा, इसको हम बता चुके हैं कई बार हो गए, ठीक है, इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन कंटिन्यूस के लिए 26, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कैंटिलीवर के लिए 7, ये आपको याद रखना है ना। इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम इफ द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट इंक्रीज देन द, ठीक है, इसमें पूछ रहा है रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम इफ अ अमाउंट ऑफ रेनफोर्स इंक्रीज बीम देन, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो आपको डेप्थ को क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को अपना बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें आ गया आंसर कौन सा आएगा बी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इंक्रीजेस, ठीक है। वेन विड्थ बी इफेक्टिव डेप्थ बी ओवरऑल डेप्थ डी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम शैल नॉट बी एक्सीड, देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कौन सा वाला ऑप्शन है आप जान रहे हैं उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। डीप बीम आर डिजाइन फॉर क्या चीज़ के लिए हम डीप बीम का प्रोवाइड करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ओनली,
बेंड मोमेंट के लिए डीप बीम का हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें अभी और ऑप्शन आएगा, देखिए साइड फेस रेनफोर्समेंट इन रिक्वायर्ड वेन द डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, साइड फेस रेनफोर्समेंट बताया था, अभी फिर से दोबारा रिपीट हो गया, ग्रेटर देन 75 जीरो मतलब 750 mm, ठीक है, या इसको 75 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इन अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड ऑन, ठीक है, सिंगली रेनफोर्समेंट आप जानते हैं ये जनरल वाला क्वेश्चन है टेंशन जोन में, ठीक है। द टॉर्सनल लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आर सी सी बीम शुड बी प्लेस्ड एट, ठीक है, टॉर्सनल वाला आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आर सी सी बीम शुड बी प्लेस्ड, तो हम कहाँ प्लेस करते हैं टॉर्सनल के लिए, स्टील रेनफोर्समेंट या फिर रेनफोर्समेंट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको आएगा इच कॉर्नर ऑफ द बीम, ये आप कैसे समझ में आएगा कि उसमें देखिए टॉर्सनल के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इच कॉर्नर मतलब दोनों कॉर्नर में, ठीक है, और बीम के, ठीक है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शैल नॉट बी एक्सीड, देखिए ये टेंथ, ये ऑप्शन आप इसमें आप किसको चूज कर सकते हैं, डी को, ठीक है, ऑप्शन आर सी बीम कवर्ड इन प्लान इज डिज़ाइन फॉर, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, आर सी बीम कवर्ड इन अ प्लान डिज़ाइन फॉर, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको कौन सा आएगा, डी आर सी बीम कवर्ड इन प्लान इन डिज़ाइन, कौन कौन से जो है कि बेंडिंग मोमेंट सीयर एंड टॉर्सन तीनों के लिए इसको किया जाता है, ठीक है, फिर से रिपीट हो गया, देखिए आपका वो इन अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर मतलब आप समझिए कहाँ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिटेड जनरली एज्यूम टू द सेटिस्फाई प्रोवाइड दैट द स्पान टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन, कितना है भाई कैंटिलीवर के लिए और सिंपली सपोर्टेड के लिए और अपना कंटिन्यूस के लिए, ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया हो कि तीन चार बार हो गया रिपीट रिपीट होते हुए, तो ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसका आंसर कितना आएगा कैंटिलीवर के लिए 7, ठीक है। एरिया ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ अ बीम वेयर द डेप्थ वेव एग्जिट 750 mm शैल बी नॉट बी लेस देन, ठीक है, तो ये देखिए कितने बार हो गया रिपीट होते, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इसमें, तो इसमें जो रेनफोर्समेंट जो है बीम में वो 0.1% मतलब कि 0.1% जो है वेव एरिया का, ठीक है, तो उसमें प्रोवाइड किया जाता है। द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन द कॉन्क्रीट बीम शुड बी नॉट बी लेस देन, हियर विड्थ ऑफ बीम इज बी, डेप्थ ऑफ बीम इज डी, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वाई, ठीक है, तो ऑप्शन आपका वाला आएगा जी, ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट में तो इसमें 0.85 BD/FY, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर्सिंगली रेनफोर्समेंट बीम FE 50 इज या डेप्थ इज, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, इसमें से दो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 50 के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसका आंसर है, 50 के लिए क्या चीज़ पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि 50 के लिए FE 500 के लिए कितना है, ठीक है, तो इसमें 0.46 D, ये आंसर आपको पता होना चाहिए, कि देखिए बार बार रिपीट होगा अभी और आने वाले क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे कि वाला कैसे है, ठीक है, इसमें FE 415 के लिए भी आता है, ठीक है, 250 के लिए भी आता है, तो इसमें आपको पता चला है। ड्यू टू द सिंगल स्ट्रेस सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली द बॉटम टेंस टू डिफेक्ट, देखिए सिंगल स्ट्रेस सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसे आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए डाउनवर्ड, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड आर सी बीम कैरिड यूडीएल एंड रिफर्ड अस अ बीम अ सिमिलर बीम इज प्रीस्टेड एंड कैरीज टू सेम यूडीएल एज द बीम दिस बीम इज रिफर्ड अस अ बीम बी देन मिड स्पान डिफेक्ट ऑफ बीम ए विल बी, ठीक है, तो इसमें मोर देन आएगा, इसमें आंसर कौन सा आएगा आपका, इसको पहले समझना पड़ेगा कि पूछ क्या है, ठीक है, तो इसमें हमको पूछा है कि सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल लगा है और प्रीस्टेड में यूडीएल लगा है, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि मिड स्पान में डिफ्लेक्शन ए पर कैसे रहेगा ए की तुलना में, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि तो इसमें आंसर आपका आएगा ए मोर देन दैट ऑफ बीम ए, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड में डिफ्लेक्शन जो रहेगा या फिर वो क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा प्री स्ट्रेस की तुलना में, ठीक है, ये आप पता रहे द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द रेनफोर्स बीम
पासेस थ्रू, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होता है ये पूछ रहा है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा ये आप हमें बताइए कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बताइए। आप सोच लिए होंगे, तो इसमें आएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम इज फेलियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन रिचेस इयरली द यील्ड स्ट्रेंथ इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। ये देखिए ये वाला बीम सेक्शन कॉल्ड, मतलब इसमें क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, इसमें आपको पता रहना चाहिए कि कैसे टाइप का ये बैलेंस सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है, कि अंडर रेनफोर्समेंट है, कि ओवर रेनफोर्समेंट, तो ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन किसे आएगा, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। मैक्सिमम अलाउबल डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड आरसी बीम स्पान एल अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड इंक्लूडिंग लोड टर्म इलास्टिसिटी एंड श्रिंकेज इफेक्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा वाला आपका आएगा कि देखिए इसमें अलाउबल डिफ्लेक्शन जो रहता है सिंपली सपोर्टेड में, तो एल बाई 250, ठीक है, और रेलवे ब्रिज में अलग रहता है इसका, रेलवे ब्रिज में आता है एल बाई 800, और रोडवे ब्रिज में आता है एल बाई 600, और स्ट्रक्चर ब्रिज में होता है एल बाई 30, मतलब 300, और क्रेन ट्रैक जैसे गर्डर रहता है उसमें एल बाई 800 आता है, ठीक है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ टाइट कॉलम इज अबाउट, ठीक है, तो मोर रहेगा कि कम रहेगा इसको आपको बताना है। तो इसमें आता है ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए क्या बोल रहा है, कैरिंग लोड कैपेसिटी हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम कंपेयर टू द टाइट कॉलम, टाइट कॉलम और हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम की तुलना किया जा रहा है, तो इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी को पूछा है, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम का कितना रहेगा अबाउट टाइट कॉलम के तुलना में, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा, बताइए कौन सा आ सकता है, तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा 5% मोर, देखिए हेलिकल वाला जो है वो 5% मोर लोड कैरिंग करेगा, ठीक है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड इन आरसीसी बीम इन बिल्डिंग इज लिमिटेड टू, ठीक है, तो इसको अभी बताए हैं वही वाला रहेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लोड है ना, ठीक, तो इसमें कितना कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैक्स आर द फर्स्ट क्रैक्स टू बी फॉर्म्ड इन अ ओवर लोडिंग इस सिनेरियो ऑफ अ ओवर रेनफोर्समेंट रेनफोर्स्ड आरसीसी बीम, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा डी कंक्रीट क्रशिंग, ठीक है, डी आएगा कंक्रीट क्रशिंग। इसमें क्या रहता है, ओवर रेनफोर्समेंट फेल इन क्रशिंग बिकॉज इन ओवर रेनफोर्समेंट कंक्रीट फेल फर्स्ट फ्लेक्सरल मतलब उसमें कम आता है, सेकेंडरी में फेल हो जाता है फ्लेक्सरल लोड, ठीक है। तो इसमें कॉन्क्रीटिंग क्रशिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैक आर फर्स्ट क्रैक इन फॉर्मड ओवर लोडिंग सिनेरियो में, ठीक है, तो ओवर लोडिंग में कॉन्क्रीट क्रशिंग, ठीक है। द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन अ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन 200 mm इंटू 400 mm इफ Fe 415 स्टील इज यूज एट 25 mm इफेक्टिव कवर। तो इसमें आपको क्या निकालना है कि कितना मतलब इसमें AST लगेगा, ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आना चाहिए। इसमें आंसर ऑप्शन कैसे टाइप करें, वही वाला जो ये है फार्मूला कैसे 0.85 इंटू बी डी अपॉन Fy, इसे आप करेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ गया ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट बीम सेक्शन फेलियर विल ऑकर ऑल ऑन अ सडन, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट बीम सेक्शन फेलियर विल बी ऑकर ऑल ऑन सडन। सडन मतलब जो सडन फेल का किस प्रकार के कंडीशन में होता है, सिंगल रेनफोर्समेंट में, अंडर रेनफोर्समेंट, बैलेंसिंग, ओवर रेनफोर्समेंट, तो ये आप समझ में आ गया होगा कि ओवर रेनफोर्समेंट, ठीक है। धन्यवाद, आपको ये वीडियो से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारा कुछ मेहनत है, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, धन्यवाद।